चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास 50 किलोग्राम स्लाइड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देयर सरफेसेस इज 0.2 देन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा? तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन होता है म्यू इनटू एन, और एन की वैल्यू क्या होती है? एम इंटू जी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस रखा है। एन इज इक्वल टू क्या होगा? 50 इंटू जी, ये हो जाएगा 500 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर यहां रखी जाए एफ आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, में म्यू की वैल्यू है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन है 500, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स। ये वैल्यू यहां रख दो 100 न्यूटन की, और डिस्प्लेसमेंट कितने का है? 1 मीटर का, तो ये आ जाएगा 100 जूल का फ्रिक्शनल जो है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यानी लॉस ऑफ एनर्जी हो गया 100 न्यूटन का, 100 जूल का। और क्योंकि ये सबसे करीब जो है ऑप्शन 98 है, क्योंकि जी की वैल्यू हम लोगों ने रखी है, जी की वैल्यू हम लोगों ने 10 रखी थी। अगर जी की वैल्यू 9.8 रखोगे तो ये ऑप्शन जो आएगा वो 98 जूल के आसपास ही आएगा। तो अप्रोप्रिएट आंसर यही है, जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर होता है वही देना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।